सब्सक्राइब कीजिए एसके ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट मोर एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और स्वागत है आप सभी का एसके ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नाटा 2019 के जनरल एप्टीट्यूड के प्रिपरेशंस के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये एपिसोड नंबर 4 है। यदि आपने एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 को नहीं देखा है तो आप जो है इस चैनल के वीडियो सेक्शंस में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2 आर्किटेक्ट्स एंड देयर बिल्डिंग्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पे नाटा 2019 के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, सारे नोटिस और सारे टॉपिक को प्रिपरेशन के तौर पे आपको डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस इसी चैनल पर मिलेंगे। और दोस्तों, यदि जल्दी से जल्दी यदि वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आने लगेंगे तो जो है मैं मैथमेटिक्स का प्रिपरेशंस भी बहुत जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा एपिसोड नंबर 3 में मैंने 5 क्वेश्चन दिया था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से, वो आप लोगों को करना था और आप लोगों ने करके उसको जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर को भेजा है। तो उसमें से जो सबसे तेज जवाब है और सबसे पहले जो भेजा है और सारा आंसर जो है उसका सही है, उनका नाम है चैनल ऑफ कॉमर्स। इनका सभी आंसर जो है सही है और सबसे फास्ट जवाब इन्हीं का है। इनको जो है मेरी तरफ से और एसके ट्यूटोरियल की तरफ से जो है बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसी तरह से आप लोग सभी फ्रेंड्स कोशिश करते रहें और जो भी क्वेश्चंस यदि इस चैनल पर दिया जाता है कि आप लोग इसको 5 क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में लेकर के भेजें तो आप लोग अवश्य घर में प्रैक्टिस करें और उसको कमेंट करके बहुत ज़रूर अपना टैलेंट को शेयर करें। मैं आपका भी नाम जो है नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, जिस फ्रेंड का आज नाम इस वीडियो में नहीं आया। तो दोस्तों, फाइनली आप लोग कोशिश करते रहें और आज न कल आप लोगों का भी नाम मैं लूँगा जिस दिन आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा और फास्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, अब मैंने जो है आप लोगों से बहुत ज़्यादा बात कर ली है तो अब जो है हम लोग को पढ़ाई की ओर चलना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज का इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, आर्किटेक्ट्स एंड देयर बिल्डिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्ट्स एंड देयर बिल्डिंग्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग्स, टावर और कुछ प्लेस को और कुछ हाउस को किस आर्किटेक्ट ने बनाया है, इसके बारे में हम लोग जनरली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। खैर, ये चैप्टर तो ऐसे बड़ा है लेकिन मैंने जो है कुछ इस चैप्टर को जो है 2 भागों में बांटूंगा मैं। एपिसोड नंबर ये 4 है तो ये एपिसोड नंबर 4A है और इसका जो है इसी का एक सीरीज 4B आएगा, एपिसोड नंबर 4B आएगा, तो उसको भी आप लोग देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए जो है इस चैप्टर को 2 एपिसोड में मैं बांट दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एपिसोड 1 में और इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है पढ़ेंगे और कौन कौन से बिल्डिंग के आर्किटेक्ट्स कौन कौन हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस चैप्टर को शॉर्टकट में मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन अभी हम लोगों के पास समय बहुत है इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि जनरल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन कहीं से भी आए आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आर्किटेक्ट्स एंड देयर बिल्डिंग्स चैप्टर को और देखते हैं कौन से बिल्डिंग सबसे पहले आता है और उसका आर्किटेक्ट्स कौन है। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर पर आता है एसियाद विलेज जो कि आर्किटेक्ट राज रेवाल ने बनाए हैं। इसके बाद दूसरा नंबर में आता है एशियन गेम्स रेसिडेंशियल यूनिट, ये भी आर्किटेक्ट्स राज रेवाल के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद तीसरा नंबर में आता है असेंबली हॉल चंडीगढ़, इसको जो है बनाए हैं ली कॉर्बिजर ने बनाए हुए हैं। इसके बाद 4 नंबर में है बाहय टेम्पल न्यू दिल्ली, ये जो है बनाए हैं फरी बुर्ज साभा ने। इसी तरह से 5वां नंबर में आता है भारत भवन भोपाल, इसको जो बनाए हैं वो बनाए हैं चार्ल्स कोरिया ने। और इसी तरह से 6 नंबर में आता है बेलगेन एम्बेसी, न्यू दिल्ली में है ये और इसको जो बनाए हैं वो बनाए हैं सतीश गुजराल आर्किटेक्ट ने। इसके बाद 7 नंबर में आता है बुद्धा जयंती गार्डन्स, इसको MM राणा ने बनाए हैं। इसके बाद 8 नंबर में आता है चंडीगढ़,
चंडीगढ़ को जो बनाए हैं वो बनाए हैं ली कॉर्बूज़िए, ये आर्किटेक्ट है। और 9 नंबर में है चाणक्य थिएटर, न्यू दिल्ली में है ये, और इनको जो बनाए हैं वो बनाए हैं पी एन माथुर ने। इसके बाद 10 नंबर में आता है चश्मा शाही कश्मीर, शाहजहां ने इनको बनाया है। और 11 नंबर में आता है सिटी ऑफ अहमदाबाद, इसको जो बनाए हैं वो बनाए हैं बालकृष्णा भी दोषी ने। इसी तरह से 12 नंबर में आता है कैनॉट प्लेस न्यू दिल्ली को जो बनाए हैं उनका आर्किटेक्ट जो है वो है इडविस लुटियन जी, ये आर्किटेक्ट हैं। और 13 नंबर में है सी एम सी एल टी डी बॉम्बे, इसको जो बनाए हैं वो बनाए हैं रासिक वाहल एंड विनोद गुप्ता ने, दोनों मिल करके बनाए हैं। इसके बाद 14 नंबर में आता है डीएलएफ सेंटर कैनोट प्लेस, इसको जो बनाए हैं वो बनाए हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया गया है डीएलएफ प्लेस सेंटर कैनोट प्लेस को। इसके बाद 15 नंबर में आता है डुल्स एयरपोर्ट वाशिंगटन डीसी, इसको जो बनाए हैं वो बनाए हैं इरो सारी ने इनको नेम। और 16 नंबर में है एफिल टावर, एफिल टावर को बनाए हैं गौस्तव एफिल ने। और इसी तरह से 17 नंबर है फॉलिंग वाटर्स यूएसए में है, इनको जो बनाए हैं वो बनाए हैं फ्रैंक लियोन्ड राइट ने। और 18 नंबर में है फॉन्स फॉन्स वोर्थ हाउस यूएसए, इसको जो बनाए हैं वो बनाए हैं माइज भेंडर रोहे ने। और गोहेन सी म्यूज़ियम है यूएसए में है। तो इसी टाइप से दोस्तों जो है बहुत सारे बिल्डिंग हैं, टावर हैं और हाउस हैं, इसका जो है आर्किटेक्ट का नाम है, आपको जो है इसको याद करना होगा, या नहीं तो आपको 2 से 3 बार 4 बार 5 बार आपको इस वीडियो को देखने होंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। यदि इससे भी नहीं होता है तो आप जो है इस वीडियो का नोट्स बना सकते हैं, ताकि आप लोग नोट्स बना करके उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो में जो है अब मैं जो है सभी स्क्रीन पर सेट हो जाएगा, आपको अभी जो है सभी स्क्रीन पर दिख जाएगा जितना भी बिल्डिंग है, मैंने जो भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, जो भी मेन मेन आर्किटेक्ट्स हैं उनका जो है मैंने कलेक्शन किया हुआ है, कुछ बुक से, कुछ न्यूज़पेपर से और कुछ इंटरनेट से। तो ये जो है टोटल 67 है, मैंने इस वीडियो में 67 को लिया है, उसको जो है दिखाऊंगा अभी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और आप लोग जो है इस वीडियो में इसको देख देख करके उसका नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और नोट्स इसका बना लें, ताकि आपको जो है आर्किटेक्ट्स एंड देयर बिल्डिंग्स से यदि क्वेश्चंस आए एग्जामिनेशन में तो आप जो है इसको अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकें, और जिस भी टाइप से क्वेश्चन पूछें आप सभी को सॉल्व कर ही दें, ताकि वहाँ से आपका क्वेश्चंस छूट के नहीं आए इस चैप्टर से। इसीलिए तो चलिए आप लोग देखिए कितने हैं आर्किटेक्ट और कौन कौन से बिल्डिंग हैं, कौन कौन से टावर हैं और कौन कौन से आर्किटेक्ट हैं, किस बिल्डिंग को किस आर्किटेक्ट ने बनाया है। इस वीडियो में मैंने सभी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग को डाल दिया है, देखिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीवीआई आर्किटेक्ट्स एंड देयर बिल्डिंग्स, जो कि इस वीडियो में टोटल 67 मैंने लिया था और आप लोगों ने देख लिया। दोस्तों अब जो है ये एपिसोड नंबर 4A आज समाप्त होता है, नेक्स्ट डे जब भी वीडियो आएगा वो रहेगा एपिसोड नंबर 4B, और यही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आर्किटेक्ट्स एंड देयर बिल्डिंग्स। दोस्तों 4B चैप्टर भी जो है एपिसोड नंबर 4B वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा, तो उसको भी देखना नहीं भूलें। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें,
ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चले जाए। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।